Hello everybody. In today's question, the topic is complex number. Okay, the question is let complex number alpha and 1 by conjugate of alpha lies on the circle this and this respectively. That is, alpha belongs to lie to the this circle and 1 by alpha bar belongs to this circle. Okay, if z naught equals to x naught plus I y naught, satisfy the equation this. This equation must satisfy z naught. Okay, then mod of alpha is equals to what? There is four options here: 1 by root 2, 1 by 2, 1 by root 7, and the fourth one is 1 by 3. Okay, now we have to solve this question. Now we have x minus x naught square plus y minus y naught square is equals to r square. And as given, this equation must satisfy this alpha, because this alpha belongs to that the first circle. Okay, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? This can be written as mod of alpha minus z naught का square, and this is must be equals to r square. Z naught equals to x naught and y naught, and alpha let us say general point, that is x and i. Okay, और जिसका mod निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? उसको satisfy करेगा. Now we know that squaring, then this can be written as alpha minus z naught into alpha minus z naught ka conjugate, and this must be equals to r square. And we know that conjugate dono ko hum log separate karke likh sakte hain, like alpha minus z naught into alpha conjugate minus z naught ka conjugate, and this must be equals to r square. जब इस दोनों को सेपरेटली मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? अल्फा इंटू अल्फा कॉन्जुगेट माइनस अल्फा इंटू जेड नॉट का कॉन्जुगेट माइनस जेड नॉट इंटू अल्फा का कॉन्जुगेट एंड फाइनली जेड नॉट इंटू जेड नॉट का कॉन्जुगेट माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एंड दिस मस्ट बी इक्वल्स टू आर स्क्वायर. तो हम लोग को फाइनली पता है कि अल्फा इंटू अल्फा बार कितना होता है. जैसे कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर उसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दैट दिस मस्ट बी इक्वल्स टू mod of alpha square. Okay, and this is alpha into z naught ka conjugate minus z naught into alpha ka conjugate, and plus this is actually mod of z ka square, and this must equals to finally r square. तो हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोगों ने इक्वेशन नंबर वन मान लिया. दिस इज इक्वेशन नंबर वन. सिमिलर तरीके से हम लोग सेकेंड कंडीशन को, सेकेंड कंडीशन लाइक कौन सा इक्वेशन था आपके पास, x माइनस x नॉट का स्क्वायर प्लस y माइनस y नॉट का स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर. आर स्क्वायर नहीं, ये एक्चुअली 4r स्क्वायर है. ठीक है, अब ये इसको कौन सेटिस्फाई कर रहा था? 1 बाय अल्फा का कॉन्जुगेट. दैट इज दिस कैन बी रिटन एज 1 बाय कॉन्जुगेट ऑफ अल्फा माइनस जेड नॉट का होल स्क्वायर, एंड दिस मस्ट बी इक्वल्स टू 4r स्क्वायर. ठीक है, अब इसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं, सिमिलर तरीके से जैसे पहले वाले को सॉल्व किया, इसको भी सॉल्व कर सकते थे लाइक दिस. इसमें एक लाइन दे देते हैं ताकि सेपरेट हो पाए. नाउ दिस कैन बी रिटन एज 1 बाय कॉन्जुगेट ऑफ अल्फा माइनस ऑफ जेड नॉट इंटू 1 बाय कॉन्जुगेट ऑफ अल्फा माइनस जेड नॉट होल टू द पावर कॉन्जुगेट, एंड दिस इज 4r स्क्वायर. दैट इज फाइनली वी कैन राइट हियर 1 बाय कॉन्जुगेट ऑफ अल्फा माइनस ऑफ जेड नॉट, एंड इसको अगर जब हम लोग सेपरेट कॉन्जुगेट लगाएंगे दोनों में, तो दिस चेंजेस टू 1 बाय कॉन्जुगेट ऑफ अल्फा का डबल कॉन्जुगेट हो जाएगा, दैट इज अल्फा, एंड माइनस दिस इज कॉन्जुगेट ऑफ जेड, एंड दिस मस्ट इक्वल्स टू 4r स्क्वायर. अब सिमिलर तरीके से इसको भी हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज दिस इंटू दिस, तो क्या हो जाएगा चलिए देखते हैं. दिस इज 1 बाय कॉन्जुगेट ऑफ अल्फा इंटू 1 बाय अल्फा माइनस 1 बाय कॉन्जुगेट ऑफ अल्फा इंटू जेड नॉट का कॉन्जुगेट, similarly minus of z naught into 1 by alpha, and the last one is minus and minus is plus z naught into conjugate of z naught, and this is equals to 4r square. Okay, so finally kya ho jayega, this is also equals to 1 by alpha ka mod alpha ka square likh dete hai isko. Theek hai, and this is minus of conjugate of z naught by alpha ka conjugate. Similarly यहाँ पे क्या लिख सकते थे हम लोग, माइनस जेड नॉट इंटू अल्फा, एंड फाइनली दिस इज मॉड ऑफ जेड नॉट का स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल्स टू 4r स्क्वायर. अब हम लोग चाहे तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते थे, लाइक एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा दोनों केस में, दोनों नहीं मतलब
ऑल ओवर में एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, दिस इज अल्फा स्क्वायर। अगर हम लोग इसको अल्फा बाय अल्फा से मल्टीप्लाई कर देते तो क्या होता है, ये नीचे वाला टर्म मॉड अल्फा स्क्वायर हो जाएगा। सिमिलरली इस वाले टर्म को भी कॉन्जुगेट ऑफ अल्फा एंड कॉन्जुगेट ऑफ अल्फा से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ अल्फा का होल स्क्वायर हो जाता। दैट इज दिस इज वन माइनस अल्फा इंटू कॉन्जुगेट ऑफ जेड नॉट माइनस ऑफ जेड नॉट इंटू कॉन्जुगेट ऑफ अल्फा एंड द लास्ट टर्म इज जेड नॉट का स्क्वायर इंटू अल्फा का स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल्स टू 4r स्क्वायर। और अगर इसको हम लोग फर्दर क्रॉस मल्टीप्लाई करते तो हम लोग को यहाँ से एक दूसरा इक्वेशन मिल जाएगा, ठीक है, और वो क्या होगा, दिस इज एक्चुअली 1 माइनस अल्फा इंटू जेड नॉट का कॉन्जुगेट माइनस जेड नॉट इंटू अल्फा का कॉन्जुगेट प्लस मॉड ऑफ जेड नॉट का स्क्वायर एंड मॉड ऑफ अल्फा का स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल्स टू 4r स्क्वायर इंटू मॉड ऑफ अल्फा का स्क्वायर एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो फिलहाल हम लोग के पास दो इक्वेशन है, दिस इज द इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। अगर हम लोग इक्वेशन नंबर 1 माइनस 2 करते हैं दैट इज सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1, इक्वेशन सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 तो हम लोग को क्या मिलता, दैट इज हम लोग डायरेक्टली बोल सकते थे कि 1 माइनस 2 करना है। और 1 माइनस 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, चलिए देखते हैं, पहले 1 को लिख लेते हैं यहाँ पे, दैट इज अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू कॉन्जुगेट ऑफ जेड नॉट माइनस ऑफ जेड नॉट इंटू कॉन्जुगेट ऑफ अल्फा प्लस जेड नॉट का स्क्वायर एंड माइनस, माइनस मीन्स द सेकेंड इक्वेशन दिस वन, 1 माइनस अल्फा इंटू जेड नॉट का कॉन्जुगेट माइनस जेड नॉट इंटू अल्फा का कॉन्जुगेट प्लस मॉड जेड नॉट का स्क्वायर इंटू मॉड ऑफ अल्फा का स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल्स टू, राइट साइड में भी सब्ट्रैक्ट करना था, आर स्क्वायर माइनस 4r स्क्वायर इंटू अल्फा का स्क्वायर, दिस इज एक्चुअली मॉड ऑफ अल्फा का स्क्वायर। अब क्या करेंगे, जो सिमिलर है अपोजिट नेचर का सबको कैंसिल करना पड़ेगा, तो एक काम करते हैं पहले इस माइनस से सारे को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये टर्म क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा जेड नॉट का कॉन्जुगेट माइनस जेड नॉट इंटू अल्फा का कॉन्जुगेट प्लस मॉड जेड का स्क्वायर माइनस 1 प्लस अल्फा जेड नॉट का कॉन्जुगेट प्लस जेड नॉट इंटू अल्फा का कॉन्जुगेट माइनस जेड नॉट का स्क्वायर एंड अल्फा का स्क्वायर। सिमिलरली इस दोनों में अगर हम लोग आर स्क्वायर को कॉमन लेते हैं राइट साइड में तो क्या बन जाएगा, 1 माइनस 4 टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ अल्फा का स्क्वायर। ओके ना, अब हम लोग इजिली जितना सारा टर्म्स है अपोजिट नेचर का कैंसिल कर सकते हैं, जैसे अल्फा एंड जेड का कॉन्जुगेट जो कि अल्फा एंड जेड का कॉन्जुगेट पॉजिटिव एंड नेगेटिव कैंसिल, योगे जेड नॉट अल्फा का कॉन्जुगेट जेड नॉट अल्फा का कॉन्जुगेट कैंसिल टू ईच अदर, और कोई कैंसिल हो रहा है क्या यहाँ पे, नहीं और तो फिलहाल कोई कैंसिल नहीं हो रहा हम लोगों का, ठीक है। तो चलिए जो रेस्ट टर्म बचा हुआ है उसको हम लोग फिर से लिखते हैं, दिस इज अल्फा का स्क्वायर यहाँ से माइनस 1 आया है, और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ से और यहाँ से हम लोग कॉमन कुछ ले सकते हैं क्या, एकदम ले सकते हैं, और वो क्या था कॉमन, मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर, देन टर्म्स आर 1। अच्छा अगर हम लोग माइनस कॉमन लेते तो क्या होता, अच्छा रहता, माइनस कॉमन लेना चाहते हैं, ठीक है, माइनस अगर कॉमन लेंगे तो ये जेड नॉट वाला टर्म क्या हो जाएगा माइनस 1 एंड दिस टर्म्स बिकम्स पॉजिटिव ऑफ मॉड ऑफ अल्फा का स्क्वायर, ठीक है, एंड दिस इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर 1 माइनस 4 मॉड ऑफ अल्फा का स्क्वायर। अच्छा इसमें माइनस कॉमन लेने के पीछे का रीज़न क्या पता चला आपको, मुझे तो पता चला क्योंकि यहाँ पे जो टर्म आ रहा है और यहाँ पे जो टर्म आ रहा है बोथ आर एक्चुअली सेम, इसीलिए हम लोगों ने माइनस मॉड ऑफ जेड स्क्वायर कॉमन लिया। अब फाइनली इसको हम लोग ब्रैकेट लगा के अगर दोनों टर्म्स हम लोग ये कॉमन लेते हैं मॉड ऑफ अल्फा स्क्वायर माइनस 1 देन योर टर्म्स बिकम्स 1 माइनस मॉड ऑफ जेड नॉट का स्क्वायर एंड दिस इज आर स्क्वायर 1 माइनस 4 टाइम्स ऑफ अल्फा स्क्वायर। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन में, एक टर्म दिया हुआ था क्वेश्चन में, क्या दिया हुआ था हम लोग का मॉड जेड का जो इक्वेशन दिया था एक, देखिए यहाँ पे लिखा है 2 mod z square equals to r square plus 2, तो इसको हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं ताकि हम लोग उसको यूज कर सके, लाइक वी हैव 2 टाइम्स ऑफ mod z square z not square is equals to r square plus 2। ओके तो यहाँ से अगर देखा जाए तो mod of z not का square का वैल्यू कितना हो जाएगा r square plus 2 divided by 2, तो हम लोग क्या करते हैं इसको यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं, ये जो टर्म आपको दिख रहा है यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं, तो टर्म्स क्या बन जाएगा हम लोग का,
मॉड ऑफ अल्फा स्क्वायर माइनस वन एंड दिस इज वन माइनस मॉड जेड का स्क्वायर दैट इज दिस टोटल टर्म आर स्क्वायर प्लस टू बाय टू एंड दिस इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर वन माइनस फोर टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ अल्फा स्क्वायर. ठीक है, फर्दर थोड़ा सा छोटा करके लिखते हैं क्योंकि स्पेस नेक्स्ट पेज में तो जाना ही पड़ेगा, बड़ा करके लिखते हैं. अल्फा स्क्वायर माइनस वन, अगर इसमें एलसीएम लेंगे तो दिस इज टू, एक्चुअली दिस इज टू माइनस आर स्क्वायर माइनस टू एंड फाइनली आर स्क्वायर वन माइनस फोर टाइम्स ऑफ अल्फा स्क्वायर. अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये टू कट जाएगा, जो बचा हुआ टर्म है वो माइनस आर स्क्वायर बाई टू और ये आर स्क्वायर इसके साथ कटेगा जो कि मैं नेक्स्ट लाइन में कट करने वाला हूँ. ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पेज में. तो वो जो टर्म लाइन था उसको मैं फिर से लिख रहा हूँ यहाँ पे, वो था आपका मॉड ऑफ अल्फा स्क्वायर माइनस वन एंड दिस इज माइनस आर स्क्वायर बाय टू इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर वन माइनस फोर टाइम्स ऑफ अल्फा का स्क्वायर. ठीक है, ये सारा टर्म मैंने फिर से लिख दिया. अभी देखिए ये आर स्क्वायर और ये आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल टू ईच अदर. देन फाइनली व्हाट वी गेट, इस माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा हम लोग का, ये हो जाएगा माइनस ऑफ मॉड ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस वन और इस टू को अगर इससे मल्टीप्लाई करते तो क्या होता, टू माइनस एट टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ अल्फा स्क्वायर. अब इस एट अल्फा स्क्वायर को अगर लेफ्ट साइड ले जाते तो कितना होता, प्लस एट अल्फा स्क्वायर एंड दिस इज टू एंड इस वन को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस वन हो जाएगा. ठीक है, सिमिलरली इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस करने पे सेवन टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ अल्फा स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू वन. तो बस हो गया, मॉड ऑफ अल्फा स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा, वन बाय सेवन. दैट इज फाइनली वी हैव मॉड ऑफ अल्फा इक्वल्स टू वन बाय सेवन, रूट सेवन, सॉरी अंडर रूट ऑफ सेवन. तो फाइनली क्या आ गया, मॉड ऑफ अल्फा का वैल्यू वन बाय रूट सेवन जो कि हम लोग को कैलकुलेट करने बोला गया था. ठीक है, तो यहाँ से हम लोग को क्या मिल गया, मॉड ऑफ अल्फा का वैल्यू कितना मिल गया हम लोग को, वन बाय रूट सेवन. दैट इज योर आंसर इज वन बाय रूट सेवन. ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू.